दोस्तों इस वक्त शाम का 3 बज चुका है, मतलब दोपहर का 3 बज चुका है। तो इस वक्त मैं एक डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूं। एक्चुअली मूड नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन आज फ्री टाइम था कुछ मेरे साथ पास में एक्चुअली इस वक्त, तो मैं सोचा कि कहीं पे जाकर विजिट करूँ और आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ इंडिया का एक मशहूर चीज़ जो कि है दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता। बेसिकली ये इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1840। कम से कम ये लगभग 200 साल पुराना हो गया। मैं 8 साल पहले यहाँ पे आया था और लगभग आज 8-9 साल के बाद फिर से मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों। आई एम गोना शो यू द 360 व्यू एज़ फार एज़ आई कैन। एक्चुअली अच्छा लगता है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन जब टाइम मिलते हैं हम आते हैं ऐसे। तो आज दिखाता हूँ मेरी तरफ से इंडियन म्यूजियम विथ माई वे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन शेड, वैसे क्या मिलते हैं। चलिए फर्स्ट फ्लोर में चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ है देखता हूँ। लेट्स सी। बाहर का कुछ नज़ारा दिखिए इस तरह से, ये ऊँट के साइड भी पड़ते हैं ना इसलिए। और ये मेरे हिसाब से बॉटनिकल सेक्शन ये है और ये था इकोसिस्टम वाला सेक्शन। तो आई एम गोइंग टू शो यू। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पास में एक चर्च है, दिस इज़ द मेन रूट इज हियर। तो चलिए बॉटनिकल सेक्शन में चलते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत कुछ यहाँ पर रखा हुआ शायद। हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे।
जूलॉजिकल का अलग सा सेक्शन इस साइड में भी है, और ये जूलॉजिकल गैलरी मेमेल का सेक्शन ये है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, रेयर कलेक्शन क्या कुछ भी है मैं तो पहले देख चुका हूँ, फिर भी अभी बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है यहाँ पे। अभी फर्स्ट फ्लोर में हूँ तो चलिए देखता हूँ। एक्चुअली कम से कम ये तो 200 साल पुराना है ना, तो जो एंटीक कलेक्शन यहाँ पे है ऑलमोस्ट इंडिया में आपको दूसरा कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए मेमेल सेक्शन में घुसते हैं, जूलॉजिकल गैलरी में बहुत कुछ मिलने वाला है वहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। एक ब्लू व्हेल का स्कॉल है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, स्कॉल ऑफ ए ब्लू व्हेल इज हियर। ये बहुत सारा चिंपैंजीज, रैंग टैंग और दिस इज द गोरिल्ला कलेक्शन, तो बहुत ज़्यादा है यार। और इस साइड में हो गया, ये हो गया स्कॉल ऑफ एन इंडियन एलिफेंट, दिस इज द इंडियन एलिफेंट, स्कॉल ऑफ इंडियन एलिफेंट। ये थोड़ा बड़ा है, ये भी एक इंडियन एलिफेंट ही है। और बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, एशियन टैपियर इज ऑल्सो हियर, और बेसिकली दिस इज बिलोंग टू हॉर्न राइनो, सॉरी दिस इज एक रेयर से देखने को मिला है नियर अबाउट, कम से कम ये कितना होगा अभी 400 ईयर्स, लगभग 400 ईयर्स पुराना एक स्कॉल है आप देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के कारण ही अभी तक ये अच्छी तरह से बच रहा है। तो चलो अच्छा है, बहुत कुछ इच्छा है यहाँ से। और दिस इज बिलोंग टू फ्रॉम माई साइड, ए ग्रेट वन ऑफ माई नो इज हियर। और अच्छा है, ये भी है 1758, सोच सकते हैं आप 1758, इस वक्त है 2018 और ये हो गया 1758 का सीजन। कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, और ऊपर में दिखाना चाहूँगा बहुत बड़ा है गैलरी। I think this is the rain, maybe. दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, बहुत दिनों के बाद आया ना इसलिए। अच्छा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, पहले जो कुछ भी था वो कुछ भी है, और अच्छी तरह से उसे फिर से मतलब और अच्छा बना के उसे अच्छी तरह से अभी रखा है। बहुत कुछ ये स्कल्पचर है, क्या क्या है, मैं मॉम ने कुछ कहा था इसके बारे में बहुत कुछ है। एक मामिद है यहाँ पे शायद, बहुत पुराना एक मामिद है, कहाँ पे है वो देखता हूँ आज, अगर टाइम मिल जाए तो मैं खोज लूँगा उसे। एक दिन में मैं कुछ नहीं दिखा सकता, ऐसी जो कुछ भी हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं बायोलॉजी स्टूडेंट होता तो ये अगर ये सेक्शन में अगर विजिट करता तो शायद मेरे लिए बहुत ही तरक्की होता, कुछ कुछ मुझे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मिले, काम में आता शायद। जो भी हो, टाइम तो इतना नहीं मैं गुजार पाऊँगा यहाँ पे, तो चलो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ये है बर्ड एंड रेप्टाइल सेक्शन, यहाँ पे बहुत कुछ है। ये सेक्शन में भी बहुत कुछ है, घूमने का दिल नहीं कर रहा है, जो कुछ भी देख रहा हूँ दिमाग में कुछ कुछ जितना हो सके लूट ले रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं देख पाऊँगा। चलो यहाँ से भी चलता हूँ, बर्ड्स ऑफ साउथ अमेरिका, डेजर्ट, अल्पाइन, बर्ड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एंड वेटलैंड।
दिस इज़ द बैक व्यू। यहाँ पे फॉसिल के लिए शायद नहीं, जाने का भी मूड है नहीं मेरा, बहुत कुछ घूम लिया मैं। लेट्स सी, अगर थोड़ा बहुत दिखा पाता हूँ तो चलिए दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड द कलेक्शन। आई एम जस्ट स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं कह सकता, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, कुछ नहीं बोल सकता फॉर ए कलेक्शन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंडियन म्यूजियम। डू नॉट टच लिखा है बोल, ये क्या है, मैं पर देखना पड़ेगा, आई हैव टू सी। एंड एक्टिंग जाइंट लैंड टॉर्टोइस का ये स्कार है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा होगा। डोंट टच लिखा था मैंने, टच कर लिया, सॉरी उसके लिए। और गर्मी तो है दोस्तों, धूप इतना है नहीं, फिर भी ऑलमोस्ट जितना हो सके जल्दी जल्दी में मैंने कंप्लीट किया ये सी, ये सब दिखाता हूँ जितना हो सके। और अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, नीचे का एक लुक मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, तो चलिए इस साइड में जाके मैं नीचे का एक लुक दिखाता हूँ आपको। ये म्यूज़ियम के बीचों बीच में मैं खड़ा हूँ, 360 व्यू आई एम गोना शो यू। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके बताना, और नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलता है फिर से एक नया सफ़र पर चलेंगे, एक नया ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आज ये था इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, तो फाइनली आई एम लिविंग द इंडियन म्यूजियम। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आया मैं आज यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।